तो क्या प्रभु जी ने उपदेश दिया? भूमि रापो रदो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारी तीयम ने भिन्ना प्रकृति रश्मिधा। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वीतेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टास्मकांचन है। ज्ञान तृप्तात्मा विज्ञान तृप्तात्मा होने की आज्ञा दी अर्जुन को। ज्ञान तृप्तात्मा वो होता है जिसकी प्रकृति पर पूर्ण हुकूमत हो जाए, प्रकृति का मालिक बन जाए। और कैसे बनेगा? यूं बनेगा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार तीयम मे भिन्ना प्रकृति अश्वधा। योगी तो श्री प्रभु जी तो शक्ति वाले बनाना चाहते हैं, मनुष्यो देवानाम पशु, देवताओं का पशु इसलिए रहता है, कुछ होता नहीं इसके अंदर। योगी अपनी ताकत के आप मालिक बनते हैं, कुंडली महाशक्ति को जगा करके बस अपने आप हो जाते हैं, सारी शक्ति उनके अंदर आ जाती है। ऋषि भगवान ने क्या उपदेश किया? भूमि रापो तनो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारी तीयम मे भिन्ना प्रकृति रश्मिधा। पहले अपनी प्रकृति बतलाई भूमि, प्रभु जी क्या बतलाया करते थे, हमारा उनका शिक्षा क्रम क्या था, तुमने सुन रखा होगा, तस्मात् द्वाय तस्मात् आत्मना आकाश संभूता आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्नि रापा अद्भ पृथ्वी। और इनका दूसरा क्रम भूमि मूलाधार स्वाधिष्ठान जल मणिपूर्वक अग्नि अनाहत हवा विशुद्ध ये आकाश मन और बुद्धि आज्ञा चक्रे तो गुरु। एक पंखड़ी पर मन का साक्षात्कार, दूसरी बुद्धि का, और सहस्रार कमल यहाँ पर अस्मि 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 अहमेवा अस्मि का बोध सहस्र दल कमल में जाकर के होता है, वो वर्ष उस पर उससे निर्माण पद हो जाता है। ये जमीन है, उसके बाद समुद्र है, जमीन का आवरण है समुद्र, और समुद्र के बाद है आग का समुद्र जिसको कोई देखता ही नहीं, आग के बाद हवा का समुद्र, हवा के बाद है आकाश ही आकाश, आकाश से आगे परतत्व बुद्धि मन बुद्धि आदि। भगवान ने कहा भूमि, पहले भूमि का साक्षात्कार को श्री प्रभु जी दिखला दिया करते थे, इस जमीन में रहने वाले शुद्ध महासिद्धों को सब दर्शन श्री प्रभु जी कराया करते थे, और मूलाधार कमल के अंदर ध्यान करने वाला व्यक्ति, अरे क्या तुम गुरु जी से हर वक्त कहते रहे तो गुरु जी हमारी ये बात पूरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इसका फल है ये। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मूलाधार कमल में जो अपने इष्ट देव का ध्यान कर ले लग जाता है, उनको दिख जाते हैं, तो उनको उनके यम यम चिंतयते कामम जो जो उनके मन में कामना आती है तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो उनको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती जरूरी जरूरी यदि मूलाधार कमल में ध्यान कर लें तो। और फिर क्या होता है, वहां के अधिष्ठात्री देव समाधि हो जाए, फिर गंध तन्मात्र का साक्षात्कार हो जाता है, सब जगह सुगंध ही सुगंध देखता है, और गंध मैले होकर गंधो हम की अनुभूति होती है। फिर स्वाधिष्ठान के अंदर, स्वाधिष्ठान के अंदर जल का प्रत्यक्ष होता है, जल के समुद्र का, और फिर उसके बाद रस तन्मात्र का साक्षात्कार होता है, रस तन्मात्र जीव जिसको रस लेती है, जब से बड़ा रस का प्रत्यक्ष मणिपूरक में जाकर के रूप तन्मात्र का साक्षात्कार,
दो मणिपुर तक का ध्यान करते हुए उनको ऐसे दिव्य समुद्र को साक्षात्कार होता है जो रूप आज तक देखे न सुने कभी पास तक नहीं गए। पुलाहत में जाकर के स्पर्श तन मात्र का साक्षात्कार। अब तो हम यू मिट्टी के थैले में लिपट चिपट करके प्यान मान लेते हैं और यहाँ साथ ध्यान करने से दिव्य स्पर्शों की अनुभूति होती है। ये लेख है ऐसा योगी जो यहाँ कर अनाहत कमल में ध्यान करता है स्पर्शती चंद्रमसमपी, चंद्रमा को यूं छू लेता है। तुम लोगों की ताकत थोड़ी थोड़ी है, तुम मैं बतलाऊंगा जिन दिन ने की है, हमारे बच्चों की बात हम बतलाएंगे, तुम्हें बतलाएंगे। रात के प्रकरण में आगे, रात के प्रकरण में कल के प्रकरण में आएंगी, बताऊंगा। जो जो साधक जिन्होंने मन लाकर लगाकर काम किया आगे ध्यान करता है शब्द तन्मात्र, दुनिया भर की दिव्य वाणी दिव्य शब्द उसको साक्षात्कार में आते हैं। नास्ती नाद सदृश लय, नाद के बाद जल्दी रहता देने वाला कोई साधन नहीं। वैराग्य चक्रे तो दो गुरु, भगवान शंकर ने एक बार ये कह दिया था कि आज्ञा चक्रे तत्व अहम। जेरन मुनि लड़ने को तैयार हो गई कि आप कैसे कि नहीं आज्ञा चक्रे तत्व गुरु। उन्होंने फिर अपने आज्ञा चक्रे तत्व, ये गुरु का स्थान, यहाँ परमनोर बुद्धि का साक्षात्कार हो जाता है, यहाँ जाकर सहस्त्र दल के अंदर अहम सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है। ये लिखा जगत के आपको देख रहे, झूठ बोलता हूँ, पढ़ के देख लो। भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति तथा। ये आठ प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा। तो इसलिए ठीक है, टाइम हो गया थोड़ा। इसलिए जैसा कि मैं रोज रोज तुम्हें समझाता हूं उसके अनुसार अपने मनों को एकाग्र करो। हाँ, 11 बजे में होगी, 10 बजे में नहीं। अपने मनों को एकाग्र करो। एकाग्र जवाब पूछता हो भोजन की, 11 बज के बैठा आज्ञा दे दू सको। अपने मनों को एकाग्र करो, नियम से अभ्यास में बैठो। और देखो भाई, दो बातें साथ में होती हैं, सतु दीर्घ काल नैरेन्द्रिय सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि भवती। ठीक, दीर्घ काल सेविता दृढ़ भूमि, नैरंतरी सेविता दृढ़ भूमि। कोई मत उठो, मैं बात कर रहा हूं अभी। ऐसी शिक्षा हो गई है मेरी, इतनी भी बात कौन सी है, ये भागनी इतनी देर में। सतो दीर्घ काल नैरंतरी सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, वो अभ्यास तो है दीर्घ काल सेविता, लंबे समय तक किया हुआ, और नैरंतरी रोज रोज किया हुआ, और सत्कार से तो बराबर नियम से आदर पूर्वक किया हुआ अभ्यास दृढ़ भूमि होती, वो फल का दाता हो जाता है। तुम ये कह दोगे हम अभ्यास रोज करते हैं, करते ही तो नहीं, मेरे कंट्रोल में आकर करो, मैं देखूंगा कैसी हूं। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कहना, तीन बातें होती हैं।